बाबा जी अल्लाह का कुरान ऐलान फरमांदा है, अल्लाह फरमांदा कायनात आलियो ओए जदो मेरे घर दीवारी आई है, जदो बैतुल्ला दीवारी आई है, जदो हरमे पाक दीवारी आई है, अल्लाह फरमांदा इब्राहिम मेरे घर नो पाक कर दे, ओए इस्माइल मेरे काबे घर नो पाक कर दे। हाथ बन के अर्ज की दी नीली छत दिया मालिक, या अल्लाह गल समझ विच नहीं आई, या अल्लाह तेरा करियो है, या अल्लाह इब्राहिम को पाक करवाना है, या अल्लाह तेरा वेड़ा यो है, या अल्लाह इस्माइल को पाक करवाना है। पर सोनिया रब्बा जिदुवारी मोहम्मद याल दी आई है, या अल्लाह तू नबी दी ड्यूटी नहीं लाई, या अल्लाह तू रसूल दी ड्यूटी नहीं लाई, या अल्लाह किसे होर दी ड्यूटी नहीं लाई। इथे फरमाना इन्नमा युरीदुल्ला, अल्लाह फरमांदा मोहम्मद याल दीवारी आई है, असा किसे गुलो पाक नहीं कराई, मैं रब हो के आर्डर करना वा, जहरा असा तेनो ही तेरे बच्चिया नो भी रब हो के पाक पिया करता है। हुण तवज्जो फरमाए, अल्लाह फरमांदा जिदू आले नबी दीवारी आई, जिदो मुस्तफा दी आल दीवारी आई, हाय लोगो जिदो जनाबे जहरा दीवारी आई, अल्लाह फरमांदा असा खुद पाक कीता है, असा खुद साफ कीता है, हाय जेड़ा आखे जहरा खता देवे, हाय मैं खिया लानत तेरे जमन देवे, हाय मोहम्मद भी पाक है, मोहम्मद दी बेटी भी पाक है। आए हाय तवज्जो फरमाया जी, मोहम्मद भी पाक ने, मोहम्मद की बेटी भी, बोलो मोहम्मद की बेटी भी, सारे बोलो मोहम्मद की बेटी भी। रब्बे काबा की कसम है, ये ऐसा घराना है, ये ऐसा घराना है कि मुस्तफा की बेटी भी पाक है, मुस्तफा के बेटे भी पाक है। तवज्जो फरमाया जी, हुण रब्बे काबा की कसम है, कौन है ज़हरा है, कौन जनाबे फातिमा तू ज़हरा है, बेटियां लखां पैदा आनियां तक आंदियां रहनियां, पर फातिमा अज भी आला है, फातिमा कल भी मेरे नबी की बेटी, अज भी आला हजूर की बेटी, कल भी आला जनाबे फातिमा तू ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ओ नबी की बेटी है, नबी की बेटी है। मेरे नबी दे वेले तीन बेटियां आईयां, जदों चौथी दी बारी आई है, जनाबे मुस्तफा नू पता लगा है, कोई जाके कहंदा कमली वालिया अल्लाह ने चौथी रहमत अता फरमा छड्डी। तीन बेटियां, चौथी आई जनाबे ज़हरा, कौन आई जनाबे, सारे बोलो कौन आई जनाबे, हुण तवज्जो नाल गल समझ करे, चौथी जनाबे ज़हरा आई मेरे नबी नूं पता चलिया। अच्छा जनाबे फातिमा आई हजूर घर आए, अज किसी दे घर दो बेटियां होण ते प्यो भी परेशान हो जांदा ते सास सहुरा भी परेशान हो जांदा, कसम खुदा दी। तो मेरे नबी दी कितनियां बेटियां, सारे मिलके बोलो मेरे नबी दी कितनियां बेटियां, हां एक ते कायल नहीं असि चौं ते कायल, कितनियां बेटियां ने नबी पाक दी, साडा अहले सुन्नत वल जमात दा अकीदा है हुजूर दीयां चार बेटियां ते चार ही आला, चार बेटियां ते चार ही आला, कौन जनाबे, फातिमा तू ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बाबा जी मेरे वल देखिया, इंज मेरे नबी ने अपनी बेटी नु चुकिया, चुक के ना हजूर ने चुमिया, चुम के ना तो सीने लाया, सीने ला के फरमाए खतीजा पहलिया भी तीन बेटियां ने ते हुण भी बेटी है, गम ना करी हजूर, हो क्यों फरमाए जिहड़ी हुण आई आ इहदे वर्गी कायनात अंदर बेटी कोई नहीं आउणी, इहदे वर्गी कायनात अंदर हो
बेटी कोई नहीं होनी, ये बेटी आला बन के आई है, अजमत वाली बन के आई है। जनाब खदीजतुल कुबरा भी राजी, हजूर भी राजी। वाह फातिमा तेरी किस्मत कुर्बान हो जाइए, वो कैसी बेटी बाबा जी जिदे बाबा नबिया का इमाम बन के आ गया, जिदा बाबा नबिया का थोड़ा कट करो, जिदा बाबा नबिया का इमाम है, नबिया का सरदार है। हुण तवज्जो फरमा जी गल सुनने वाली, हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह, आप दी शान, आप दा मकाम कुरान में बयान करता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तदहीरा। फरमाया जहरा, ओ जहरा, जहरा ओ जहरा, कि जिन्हों पाक अल्लाह ने खुद कीता होया, जिन्हों पाक अल्लाह ने, जिन्हों पाक अल्लाह ने खुद कीता, ओ जनाबे जहरा सलामुल्लाह अलैहा। तवज्जो फरमाया जी, बेटियां नाल प्यार करो, नबी पाक राजी होंदे जे। बेटियां नाल प्यार करना हजूर की सुन्नत, मेरे नबी करीम की सुन्नत। तवज्जो फरमाया जी, जनाबे फातिमा तू जहरा आईया, मुबारक मिली। मैं बचपन का एक वाकया सुनाना चाहना, जनाबे फातिमा तू जहरा सलामुल्लाह अलैहा। बाबा जी बुलंद बोलो, तुसी रोजे की हालत विच हो तो मैं भी रोजे की हालत विच हां, सुबहान अल्लाह बोलोगे उहदा भी सवाब है, चुप रहोगे तो फिर सवाब कोई नहीं। बंदे अच्छे अल्फाज जुबान को अदा करता रहे तो लिखिया जाता है, ते मस्जिद विच बह के रोजे की हालत विच बह के उस हसन ते हुसैन की मां का जिक्र होवे, जिन्हां दा सदका साडी बख्शिश होनी। तवज्जो फरमाए, बाबा जी मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कीता ते दुश्मना ने दुश्मनी पूरी की, बड़ा बड़ा कुछ होया करीम नबी दे नाल। हजूर एक दिन ना हरमे काबा दे अंदर, बाबा जी तवज्जो फरमाया, मेरे ते तेरे नबी हरमे काबा दे अंदर नमाज अदा फरमा रहे ने। काफरां ने वेख्या, बर्दाश्त नहीं होया कि नमाज अदा कर रहे ने, ये अपने रब की इबादत कर रहे ने। बाबा जी दो तीन काफर मिले, उन्हें लिया के ऊंट की ओजड़ी जिहड़ी है ना, वो तेरे ते मेरे नबी की पुश्त ते रख छड़ी। असां तो की बर्दाश्त किया इस्लाम वास्ते, असां कुछ बर्दाश्त नहीं किया, कसम खुदा दी। उन्हां सहाबा नूं पुछो, अहले बैत नूं पुछो, जिन्हां अपनियां जानां इस्लाम वास्ते कुर्बान कर छड़ी। हुण गल तवज्जो नाल समात करिया, ओजरी लग के रखी ना जदों हजूर करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पुश्त मुबारक ते, ते सहाबी रसूल ने जदों वेख्या ना ते आप ही नहीं हटाई, ते दौड़ के ना हजूर दे घर गए, तो जाके फरमाने ने बेटी फातिमा थोड़ा बाबा सजदे की हालत अंदर है, तो काफिर ने पुश्त दे उत्ते ओजड़ी रख छड़ी है। जदों ये नहीं गल सुनी, कसम खुदा दी अज भी ईमानदारी ना दसो, कोई बाप बाहर लड़दा होवे ना, जिहड़ी बेटी कदी भी घरों घर की दहलीज बाहर नहीं ना निकली, वह भी प्यो नूं छुड़ाने वास्ते गली विच आ जाती है। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਇਹ ਫਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬੇ ਫਾਤਿਮਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਹਰਾ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਜਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀਅਲ ਅਲਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਲਿਓ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਂਦੀ ਏ, ਓਏ ਓਜੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਚੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੇ, ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਓਜੜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਲਿਓ ਜਨਾਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ, ओ नबी दी बेटी है, हजनी नबी दे सीने ते सिर रख के सुती है, ए मेरे नबी दी ओ बेटी है, ओए जड़ी बेटी आवे मोहम्मद उठ के खड़े आंदे है, फातिमा तू जहरा सलामुल्लाह अलैह ओ बेटी जे हकैना तलिया इज जोर लाके अपने बाबे दी पुश्त तू योजनी नु हटाया है, ए मेरे नबी ने बेटी नु सीने लाया, हजूर भी रोंदे जनाबे जहरा दी अखां विच अथरू आवे, हाथ जोड़ के दुआ कीती नीली छ।
छत दिया मालिका वे मेरी आरपा हे जिना जालिमा ने हज मेरे बाबे ते जुल्म कीता है हे जिना जालिमा ने मेरे बाबे नाल ज़ियादती कीती है रब्बा इन्हां नूं निस्बत सबूत कर दे रब्बा इन्हां दियां नस्लां मका दे हजे बदवा कीती है उलमा फरमांदे ने कायनात आलिया जिदे वास्ते हुसैन दी मां ने बदवा कीती है ओ सारी दुनिया ते जलील हो के मरे ने ओ सारी दुनिया ते जलील हो के मरे ने हे रब ने दसिया है कायनात आलिया जिदे नाल फातिमा है ओदे नाल खुदा जिदे नाल फातिमा तू जहरा है ओदे नाल खुदा है बाबे तो आप ही ओ जी हटाई ते बद दुआ कीती हाथ छोके या अल्लाह इन्हां नूं निस्तो नबूद कर जेड़ा मेरे बाबे नाल जुल्म करदे ने कसम खुदा दी बेटियां नूं बड़ा प्यार हुंदा जे बाप नूं बड़ा प्यार हुंदा और लोग ते दुआवां कर कर बेटियां मंगदे ने कसम खुदा दी जिन्हां कोल है वे उन्हां नूं कदर कोई नहीं ते जिन्हां कोल नहीं उन्हां नूं पुछ ओथे दुआ कर करके या अल्लाह सानूं बेटियां अता फरमा बेटियां वफादार हुंदियां ने बाबे नाल बेटियां वफा कर दियां ने बाप नाल रब्बे काबा दी कसम कायनात आले तवज्जो नाल समात करे आ जी जनाब फातिमा तु जहरा सलामुल्लाह अलैह उस बीबी दा नाम है उस बीबी दा नाम है उस खतून जन्नत दा नाम है पूरी कायनात अंदर चार बतूल ने किनिया बतूल ने जी सारे बोलो किनिया बतूल ने वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जुमले तवज्जो नाल समात करे पूरी कायनात अंदर चार बतूल ने बतूल का माना पता की बतूल का माना पाक की माना बतूल का की माना चार बतूल ने कायनात अंदर ते मैं चौवां बतूलों का जिक्र करके ते फिर मैं आखिर विच उस बतूल का जिक्र करना है जिदे बाबे नू मुहम्मद अरबी आंदे ने हुण तवज्जो ना कर समात करिया जाए अज जिक्र जनाबे फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा हराज अकीदत पेश करना तवज्जो फरमाया जाए बाबा जी हजरत मरियम भी बतूल ने हजरत हवा भी बतूल ने और हजरत आसिया भी बतूल ने मैं शेर के अंदर तिना बीबिया का नाम लिया हजरत हवा नु जानते हो जनाबे आदम की बीवी साड़ी मां हजरत हवा हजरत मरियम जनाबे ईसा अलैहि सलाम की वालदा हजरत आसिया ए फिरौन की बीवी बंदा वेखो बड़ा वड्डा काफर है ते औरत वेखो उसकी वड्डी मोमिन है इहदा मतलब है कि काफरां दे घर मोमिना औरतां रहिंदियां ने ते किवें रही हजरत मूसा अलैहि सलाम ते ईमान लैके आए हजरत आसिया ते बाबा जी तेल दे अंदर फिरौन सुट छड़िया ईमान नहीं छड़िया यकीन नहीं छड़िया हुण तवज्जो फरमाए ये तीन बतूल ने हजरत हवा हजरत मरियम हजरत आसिया बतूल कहते ने पाक नूं इत्थे मैं जुमला देन लगा मुसलमान भाईओ तवज्जो नाल समात फरमाए जी बतूल आंदे ने पाक नूं बतूल आंदे ने पाक नूं बतूल आंदे ने पाक नूं तवज्जो फरमाए जी हजरत हवा भी बतूल ने पाक ने हजरत मरियम भी बतूल ने पाक ने अलामा इकबाल ने इत्थे नक्शा बयान किया है फरमाया मरियम भी पाक है जहरा भी पाक है लेकिन फर्क बड़ा बाबा जी तवज्जो फरमाया जी जनाबे मरियम पाक ने बतूल ने उन्हां दा शोहर कोई नहीं गल सुनियो जनाबे मरियम दा हजरत ईसा बगैर बाप तो पैदा होया पता जी कोई नहीं हजरत ईसा बगैर बाप तो पैदा होए ने बगैर बाप तो मतलब के हजरत मरियम दा शोहर कोई नहीं बगैर बाप तो पैदा होए ने अल्लाह ने पैदा किया अपनी कुदरत नाल किया बाबा जी शोहर ना होवे ते बतूल होना और गल है शोहर ना होवे ते पाक होना होर गल है जनाबे मरियम दा शोहर कोई नहीं खामद कोई नहीं ते पाक है इत्थे अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि मरियम भी बतूल है ज़हरा भी बतूल है फरमाया उहदा ते खामद कोई नहीं ओ फिर पाक है फरमाया ज़हरा दा खामद है फिर भी पाक है आए जनाबे ज़हरा दा मौला अली खामद शोहर फिर भी पाक ने अच्छा मैं फर्क दसन लगा कि बतूल कहंदे किनू ने ते पाक कहंदे किनू ने इन्हां नूं किन्ने पाक कीता है
सारे बोलो त्याजो ना ब्याह करो। इन्हों किने पाक कीता है? रब की जात ने पाक कीता है, रब की जात ने पाक कीता है, रब की जात ने पाक कीता है। किताबां पढ़ के वेखो जनाब ज़हरा ओ बतूल है बाबा जी, जोहर दे टाइम इमामे हसन पैदा होए ने, ते असर दे टाइम जनाब ज़हरा ने मुसल्ले ते खड़ियां हो गई। इत्थे हुण फैसला कर, हर बंदा जानता है शादीशुदा बंदा, हर बंदा इस इलम रखता है कि बच्चा पैदा हो गया तो 40 दिन तक औरत ना पाक है। किन्ने दिन? 40 दिन तक औरत ना पाक है। हजे भी मौलवियों नूं पता ना लगे ज़हरा कौन है, हजे भी पता ना लगे कि पाक कौन है जिन्हों रब पाक करे। कसम खुदा दी, दुनिया की कोई भी औरत है, किसी वली की मां, किसी उम्मती की मां, कोई भी किसी सैयद की मां, जनाब ज़हरा तो बाद 40 दिन तक न पा के बच्चा पैदा होया, 40 दिन तक न पा के बच्चा पैदा होया। ये कैसी बतूल है? जोहर टाइम हसन पैदा पे होंगे ने, असर टाइम वजू करके मुसल्ले ते खड़ी हो गई। कायनात नु दसिया लोगो, तुसी होर हो बतूल, होर तुसी होर हो बतूल, जनाब ज़हरा होर ने, जनाब ज़हरा होर ने, और बाबा ओ पाक ने जिन्हां नु पाक अरशां वाले रब ने कीता होया, ए ओ पाक ने जिन्हां नु कायनात दे रब ने पाक कीता। बाबा जी आप मुसल्ले ते क्यों आ गई? पाक सन ते मुसल्ले ते आईयां सन। ओए बंदा पाक होवे ते नमाज पढ़दा, तवज्जो है, बंदा पाक होवे ते नमाज पढ़दा, न पाक बंदा नमाज नहीं पढ़ सकदा, ठीक है। नपाक औरत मुसल्ले दे नेड़े नहीं आ सकती, कुरान दे नेड़े नहीं आ सकती। ए ओ ने जिन्हां नूं उहने पाक कीता, तमाम निजस तो पाक कीता है बाबा, ओ जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह। हुण तवज्जो फरमाया जे, इस बीबी दी शान ते मकाम क्या बात है, क्या बात है। जनाबे मौला अली नाल शादी हुई ना जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह दी, ते बाबा जी जदों मदीना शरीफ मकान बने ने ना, गल तवज्जो नाल समात करिया जाए, मदीना शरीफ मकान बने, मस्जिद नबी भी पहला तमीर हुई, फिर उहदे नाल नाल सहाबा इकराम दे मकान, एक एक कमरा दो दो कमरे तमीर कीते गए। जेड़ा मकान हजरत मौला अली दे हिस्से विच आया ना, वो मकान जरा हजूर दे मकान तो थोड़ी दूर सी। एक गल तवज्जो नाल समात करनी, अंदरों सुनना कि बेटी नाल प्यार कितना सी हजूर नूं, जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह। ते जेड़ा मकान हजूर दे नाल सी ना, बिल्कुल मेरे वल तो फरमाया जी, जेड़ा मकान हजूर दी कंध, ते उस मकान दी कंध बाबा जी सांझी सी। पहला तुहानूं पता मिट्टी दीआं कंधां सांझीआं ही होंदीआं सन, इधर भी वेड़ा ते इधर भी वेड़ा ते कंध विच सांझी होंदी सी। हुण ते ओह माहौल ही नहीं ना रहा, हुण ते ओह निज़ाम ही नहीं रहा। अगे औरतां विच भी गैरत होंदी सी, ते पुत्रां विच भी गैरत होंदी सी, मर्दां विच भी गैरत सी, लोकां दीआं भैणां नूं अपणीआं भैणां समझदे सन। तवज्जो फरमाया जी, ਉਹ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸਾਹਬੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਨਾਬ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੂਰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਕਦੀ ਉਮਤੀ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆ ਜੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਦੀ ਉਮਤੀਆਂ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਹਾਬੀ ਜੀ ਆਕਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ,
जी हजूर सांझी है। मेरे नबी ने फरमाया अगर गुस्सा ना करे ओए मकान की तब्दीली कर लवेगा। हजूर किदे नाल करा, हजूर मैं खुश किस्मत हूं, हजूर मेरा मकान थोड़े मकान दे नाल है। ओए लोगों किसे मरीज दा मकान पीर दे नाल होए, ओए पूरी दुनिया छड़ दवेगा मकान नहीं छड़ेगा। जदों निकले पीर दी जियारत होए, जदों वेड़े आवे पीर दी जियारत होए। मुसलमान भाइयों जुमले सुनिया ने उस सहाबी दा मकाम की है जेड़ा निकलदा है मोहम्मद नूं वेंदा है, जेड़ा अंदरों दा है मोहम्मद दी दीद करदा है। हजूर मैं ते बड़ा ही खुश किस्मत हां, हजूर मैं ते बड़ा ही खुश नसीब हां। हजूर तुहाडा मकान मेरे गुनाहगार दे मकान दे नाल है। फरमाया वाकई खुश किस्मत है, अगर एक फैसला करा नाराज ना होई। हजूर हुक्म करो, हजूर आर्डर करो। हाय मेरे नबी ने फरमाया गुलामा ओए अली दा मकान दूर है, मेरी बेटी दा मकान दूर है। अगर गुस्सा ना करे ओए तेरे नबी दा दिल करदा है मेरी बेटी मेरे सामने नजर आवे, मेरी बेटी वेड़े विच टुरदी आवे। ओए मोहम्मद वेख राजी हो जाए, मेरी बेटी बैठी होवे मेरिया नजरां दे सामने आए। ओए ज़हरा उठी होवे मेरिया नजरां दे सामने आए। ओए बोंगे दी जामिया मस्जिद विच बैठ आ लियो। ओए जुमला तरपा देंदा है, हजूर फरमांदे ने नाराज ना आवे। ओए तबादला कर ले, ओए अली दे मकान विच तू टुरी जा, ओए तेरे मकान विच अली आ जांदा है। हजूर एनी गल कीती सहाबी खामोश होया है। मुसलमान भाइयों मेरे नबी ने फरमाया है अगर रजामंद कोई नहीं तो कोई सख्ती भी कोई नहीं, कोई जबरदस्ती भी कोई नहीं। अगर इथे रहना चाहना है फिर भी तेरी मर्जी है, अगर इथू जाना चाहना है फिर भी तेरी मर्जी है। ए नया खी हजूर ने मेरे नाल जबरदस्ती की दी है। खैना तलिया ओदी अखा विच अथरू आ गए, छम छम रोया मोहम्मद दे कदमा नाल लिपट गया है। आंदा कमली वालिया ओए जिदे विच तुसी राजी कोई नहीं, हजूर ओ मकान कादा है, हजूर ओ खुशी कादी है। हजूर तुहाडी खुशी साडी खुशी है, हजूर तुहाडी गमी साडी गमी है। कमली वालिया मैं इक मासा भी नाराज कोई नहीं, हजूर जिवें दिल करदा है कर ला। हुण मुसलमान भाइयों तवज्जो करिया, मेरे नबी ने आखिया फिर सोच लै। आंदा हजूर तुसी फैसला कर छड्या है, हजूर मेरिया सिर अखां ते कबूल है। हजूर जे तुसी राजी असी राजी आ, हजूर तुसी रोवो सानू गम आउंदा है, हजूर तुसी परेशान होवो सानू तकलीफ आउंदी है। हाय बेटियां नू गालियां देण ना लियो, हाय बेटियां नू थप्पड़ मारन ना लियो, हाय बेटियां नाल ज़ियादती करन ना लियो। हाय तेरे ते मेरे नबी दी मोहब्बत वेखिया रे। हजूर फरमांदे ने अली नू बुलाओ, मौला अली वी आ रहे। मेरे नबी ने फरमाया ली अपना सामान चुक के लाया। हजूर जिथे लै गया फरमाया मेरे मकान दे नाल तेरा मकान है। हुणे जुमले सुनिया जे तवज्जो करिया ने, है रोजे दी हालत अंदर बैठी आ, वाह सहरा तेरे मुकद्दरा तू कुर्बान हो जाइए। है मौला अली सामान लेके आए, है मौके दी जामिया मस्जिद विच बैन आ लियो। है मौला अली सामान दी सेटिंग पे कर देने। सहाबी फिर मेरे नबी दी कचहरी विच आया है, है मेरे नबी ने हाथ चुक ले, हजूर ने हाथ चुके, हजूर हाथ चुक के दुआ की दी है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया रब्बा ए सहाबी ने तेरे मोहम्मद नू राजी कीता है, इस गुलाम ने तेरे यार नू राजी कीता है। रब्बा तू एदे ते राजी हो जा, उतु आवाज आई मोहम्मद कबराना जिदे ते तू राजी है ओदे ते खुदा भी राजी है। तवज्जो की समान मकान की तब्दीली की हजूर ने। मैं बखान तैयार हूं, मौला अली जो आए ना तो हजूर राजी हो गए।
बाबा जी रबे काबा की कसम है, जो तीं बाबल के घरों जा मैं बड़े बड़े सखर दिल प्योर होंगे वेखे कसम खुदा दी तारा मार मार के रोंदे वेखे जिन्हें कदी भी बेटी नाल प्यार नहीं ना किया रो पाते कि बेटी चीज ही ऐसी है। नबियां दे इमाम ने दस छड़िया लोगों बेटी नाल प्यार करदे आ कसम खुदा दी अद्धी रात बेटी फोन करे ना प्यो नूं अबू जी मैं परेशान हां ते प्यो अद्धी रात नूं साइकिल चला के टुर जांदा ते जा के उहनूं कहिंदा मेरे हुंदे कोई गल ना करे मेरी धी नूं अजे तो प्यो जिंदा हो बाप मर जाए फिर बाबा जी तियां रोंदियां टुट जांदियां दुनिया ते कोई खबर सुनने वाला कोई नहीं कोई दुलासा देने वाला कोई नहीं। कायनात के लोगों को तवज्जो फरमाया जनाबे फातिमा तुज़हरा सलामा अलैहा ओ हस्ती क़यामत दा दिन होएगा सारे नबी उठे खड़े होंगे। आखिरी गल कर लगा तवज्जो फरमाया जनाबे फातिमा तुज़हरा कौन फातिमा कौन सैयदा कौन तैयबा बाबा उस जनाबे फातिमा तुज़हरा दे सदके ते साडियां बेटियां नूं चादर ते तहीर दा साया मिलिया ये पढ़ता मिलिया ये गल वखरी है बेटी सिर ते पढ़ता रखे ना रखे प्यो नूं पुछे ना पुछे भरा पुछे ना पुछे लेकिन गैरतमंद जिहड़े हुंदे ने ना ओह इंज नहीं तियां भैणां नूं बार कढ़दे बगैर दुपट्टियां दे जिन्हां दे अंदर थोड़ी जी गैरत होवे गैरत ईमानी होवे हुण तवज्जो फरमाया जी जनाबे फातिमा तुज़हरा दा मकाम की क़यामत दा दिन है अल्लाह अपने जलाल अंदर हुण तवज्जो फरमाया जी जिन्ने बंदे बैठे अपने जलाल अंदर जदों ये गल कीती जनाबे फातिमा तुज़हरा सलाम अल्लाह अलैह कौन बीबी है बाबा उत्थे नबियां दीआं मावां नहीं आईआं होणगीआं जनाबे इब्राहिम दी अम्मा नहीं आईआं होणगीआं जनाबे इस्माइल दी मां नहीं आई होएगी कसम खुदा दी सारियां आईआं होणगीआं बाबा सारियां बीबियां आउणगीआं सारियां नबियां दीआं मावां ते बेटियां ते बीवियां आउणगीआं किसे वारी आर्डर नहीं होएगा जदों हसन ते हुसैन दी मां दी सवारी आएगी। हाय 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 थोड़ी सुभान अल्लाह मठी गल तो बड़ी बड़ी कर लगा जदो हसन ते हुसैन दी मां दी वारी आई कौन फातिमा है दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा है दिल मुस्तफा मरान दे मुख्तार फातिमा जन्नत की हुक्मरान दे मुख्तार फातिमा बड़िया बड़िया शाना बीबियां बड़े बड़े मकाम मुसलमान जिस बीबी का जिक्र तुसी ते मैं पे करने जिस बीबी की शान तुसी ते मैं पे सुनने मुसलमान भाइयों अचानक कियामत मंजर होगा एक सन्नाटा छाया जाएगा अल्लाह फरमाएगा खामोश हो जाओ रब्बा की बन गया अल्लाह फरमाएगा ओ कियामत विच आने वालियो ओए नबियो तुसी भी सुन लो ओए रसूलो तुसी भी सुन लो ओए उम्मतियो तुसी भी सुन लो या अल्लाह की गल अल्लाह फरमांदा सियार हो जाओ ओए जरा फिक्रमंद हो जाओ जरा टेंशन हो जाओ या अल्लाह वजह की है फरमाया तुहानू पता नहीं हुण सवारी मोहम्मद बेटी दी आ रही है हुण सवारी जनाबे ज़हरा दी आ रही है हाँ तेरी माँ आएगी आवाज नहीं आएगी है मेरी माँ आएगी आवाज नहीं आएगी
जनाबे मरियम आन गियां आवाज नहीं आएगी, जनाबे यासिया आन गियां आवाज नहीं आएगी, जनाबे हवा आन गियां आवाज नहीं आएगी, ओए ओथे नबियां दियां मावां आन गियां ओथे किसे वारी आवाज नहीं आएगी। जद जनाबे जनाबे फातिमा दी वारी आएगी, जनाबे फातिमा सवारी ते सवार आन गियां, अचानक निदा देण वाला निदा देवेगा, ओए आखेगा नजरां बंद कर लो, है नजरा बंद कर लो, है नजरा बंद कर लो, बाबा जी नजरा भी बंद हो जानगिया, फिर आवाज आएगी गर्दना भी झुका लो, अर्ज कीती रब्बा वजह की है, फरमाया पड़दे दी चादरे ते तहीर दी वारस फातिमा पई आउंदी है। हाय हाय हाय, जुमला आखरी तवज्जो ना सुने, अल्लाह फरमाएगा नजरा बंद कर लो, नजर बंद हो गए, अखां बंद हो, सामने कुछ नजर आता, थलों कुछ नजर आता, नहीं ना आता, अख बंद हो गए। इत्थे एक नुक्ता देना चाहना, आ जिहड़े तकरीर सुनन आउंदे हो, लुत्फ लैण आउंदे हो, ईमान दादा करन आउंदे हो, उहनां वास्ते एक नुक्ता बड़ा वड्डा, अल्लाह फरमाएगा अखां बंद करो, या अल्लाह कर दित्तियां, उत्थों आवाज आएगी गर्दन थले जाके जाके मुकना ले जा, अल्लाह फरमाए कि गर्दना भी थले कर, या अल्लाह वजह की है, या अल्लाह अख बंद हो जाए तो सामने कुछ नजर ही नहीं आता, या अल्लाह जो अखां बंद करवाइया ने तो गर्दना थले क्यों करवाइया, सवाल है, अख बंद हो तो नजर कुछ नहीं आता, अल्लाह फरमाता अखां भी बंद करो तो गर्दना भी थले, अखां भी बंद गर्दन भी थले, हाथ जोड़ के आखिया नीली छत दिया मालका, वे रब्बे मुहम्मद गल दी समझ नहीं आई, ही आला अख बंद होवे नजर कोई नहीं पैनी, ही आला केड़ा प्या जांदा है, ही आला केड़ा प्या आउंदा है, फरमाया फातिमा ओ फातिमा है, ओए जिदे सिर दा वाल सूरज भी वेखिया कोई नहीं, फातिमा फातिमा ओ फातिमा है, ओए जिदे कदमा दा निशान भी किसे बंदे नहीं वेखिया, फातिमा फातिमा ओ फातिमा है, ओए जिदे पुरखे नु भी किसे नहीं वेखिया, जिदे हत्था मुबारक कानों भी किसे नहीं देखिया, अर्ज की रब्बा अखां बंद करवाइया नी, रब्बा बंद हो गई पता नहीं कौन जा रिया, अल्लाह फरमांदा यही तो दसना चाहना वा, ओए अखां बंद कर लो, अज हुसैन दी मां दी सवारी आ रही जे, ओए अखां बंद कर लो, अज हसन दी मां दी सवारी आ रही है, ओए अखां बंद कर लो, अज जैनब दी अम्मी दी सवारी आ रही है, ओ किसे पीर दी मां बनने निकल आए, अल्लाह दी कसम पीरां दियां नजरां मुरीदां दियां बंद हो जांदियां नी, ओए हथे बन के खलो जांदे ने, ओए किसे दी चुरत नहीं आउंदी, ओए पीर दी मां वाले वेखे, उस पीर दी बेटी वाले वेखे, ईमानदारी नाल दस्सिया जे मुसलमानां, ओए जिहदे बाबे दा नाम मुहम्मद अरबी होए, जिहदे खामद दा नाम मौला अली होवे, ओए जिहदे वड्डे पुत्तर दा नाम हसन होए, जिहदे छोटे शहजादे दा नाम हुसैन होए, नजरा भी बंद करवाइया ने, है गर्दना भी झुकाइया ने, अल्लाह फरमांदा दसना जाने, अखां बंद हो जान, सामने नजर कोई नहीं आता, असा गर्दना झुका के दसिया है, जिस सवारी ते सवार जहरा, तवज्जो जी, जिस सवारी ते सवार जहरा है, ओए किसे बंदे दी नजर उस सवारी ने कदमा ते भी ना पै जाए। तवज्जो कीती तुसी, गर्दना झुकाई बाबा जी, फरमाया तुहाड़ी नजर उस सवारी दे पैरां ते भी ना पवे, जिस सवारी ते मुहम्मद दी बेटी सवार, जिस सवारी ते मुहम्मद दी, ते फिर मैं क्यों ना आखां, गली गली कूचे कूचे नगर नगर जनाबे जहरा दा नारा ते जिक्र कर के, असी लोगां नूं इह आखना चाहने आं, कौन ने जिस दे नाए हसनैन दी अमाए, हाथ बुलंद करके नाल मिल के सारे, कौन ने जिस दे नाए ए हा
ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਖਣ ਦਾ ਬਾਬੂ ਮੇਰੀ ਜਾਮੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗੀ ਅੱਖੀਆਂ ਕੌਣ ਜਿਸ ਦੇ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕੌਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਏ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਰਹੇ ਮਤਾ ਦੀ ਛਾਏ ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋ ਰਹੇ ਮਤਾ ਦੀ ਛਾਏ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਔਰਤ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਅਗਰ ਸ਼ੋਹਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੇਟੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪ ਜੰਨਤ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਨਾਬ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਦਿਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਖਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮਕਾਮ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਬਾਬਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੋਲੋ ਜਨਾਬੇ ਫਾਤਿਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਡਰੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਨਾਬੇ ਫਾਤਿਮਾ ਬਰਤਨ ਕੌਣ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਕੌਣ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਦ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਛੱਡਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਪੈਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਧੋਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੇਖੋ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਾਬਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਫਾਤਿਮਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨੁਕਰਾਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹ ਨੁਕਰਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵੇਖ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਪਤੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਡਲੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਲਾਡਲੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿ ਹੈ
अपने घर जा दसनी अमल अल्लाह ताला करवाएगा, कोई बंदा नहीं अमल कर सकता। अच्छा बाबा एक गल करा, हजूर फरमाते हैं बेटी बोल। फिर मैं बाबा इन्हां नूं कुरानियां तुहाडे कोल आउंदियां ने, क्या तना बन गए ते तुसीं कोई किसे नूं दे दिंदे हो, किसे नूं दे दिंदे हो। हजूर तुहाडी बेटी आ ते मेरे नाल तुसीं बड़ा प्यार कीता ते मेरे हत्थां विच आ वेखो छाले पै गए ने। हजूर अगर इजाजत होवे ते इक नूकरानी मैनूं वी दे दिओ। तवज्जो कि तुसीं नहीं कीती। हजूर अगर इजाजत हो एक नुकरानी मैनू ही दे दे, मेरे नाल थोड़ा बहुत काम कर लवे। मेरे नबी ने फरमाया हजूर खामोश रहे, बेटी सामने बैठी बूंगे दी जामी मस्जिद विच बैठ आले हो, बाप कसम खुदा दी 10 रुपए बाप दी जेब विच ना ना हो। ते बेटी परेशान होके आखे ना अब्बा मैनू 50,000 चाहिए धोने चाहिए। ते बाप लोगों को कर्जा चुक के भी लिया के तीर खाली नहीं मोड़ेगा के मोड़ दिंदा है, खाली नहीं मोड़ता। आंदा ती ये तू ना परेशान हो, मैं पर ले आना किसे को तनु दिया गा उन बाबा उदी जेब विच पा के उदे हाथ विच दे के भेजदा है। आज दा बाप होवे तो बेटी नु खाली नहीं भेजदा, ते जिदी बेटी दा नाम फातिमा होवे, जिदे बाबे दा नाम मोहम्मद अरबी होवे। हजूर खामोश हो गए। फिर मैं बेटी पूरे मदीने नु नुकरानियां दवांगा तैनू नहीं देने। हजूर वजह की, हजूर मेरे हाथ में छाले ने फरमाया लख छाले पै जा। फरमाया तू नबी दी बेटी है, जे आज तू नुकरानियां रखियां ते आउण वालियां नस्लां भी आखण गियां वे ज़ाहरा ने नुकरानी रखी है ते सानू रखदे की होंदे। समझ आई कोई नहीं किसे ऐ सौं के ना बया करो, गल नु समझिया करो कि गल मिंबर पर केड़ी हो रही है। सारे काम तू ही करने ने ते अपने हाथां नाल करने ने। हजूर थक जाने फिर मैं थकण दा अमल मुहम्मद दस देंदे ने। आए हाय हाय मैं तेरी थकावट दा मैं हल कर देना, लेकिन ए नुकरानी नहीं देनी। फरमाया तेरे बाबे दी जिंदगी भी सीरत सारे दे सामने नमूना है ते मेरी बेटी दी जिंदगी भी सारे दे सामने नमूना होएगी। जे मुहम्मद अरबी दी बेटी हो के आप ही काम कर सकदी है ते तेरी मेरी बेटी की बोलदे नहीं। जे मुस्तफा दी बेटी हो के बाबा जी अपने हाथां नाल पुत्रां दे कपड़े धो सकदी है, बर्तन धो सकदी है, झाड़ू फेर सकदी है, ते तेरी मेरी बेटी जिहड़ी अज मावां जिहड़ी आंदियां ने जा के काम कोई ना करी उत्थे, पैसे जिन्ने आखे कि मैं तैनूं पहचानदी रहांगी, काम नहीं करना अगले दे घर जा के तंग करना, काम नहीं करना। ये मां ते प्यो अगर तरबियत करदियां नहीं, तेरी धी मुस्तफा दी धी ने कदमां दी हाक बराबर भी नहीं, पर रब्बे काबा दी कसम है ये मेरे नबी ने दसिया है। फरमाया थकावट है ना उहदा हल दस दे। हजूर की गल है, मेरे नबी ने फरमाया बेटी नुकरानी ते कोई नहीं, नौकर ते कोई नहीं, बेटी जदू शाम थक के बेटी जदू बिस्तर ते आनी है हजूर की करा। फरमाया तेती वारी सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, ओए तेती वारी अलहमदुलिल्लाह पढ़ लिया कर, ओए चौथी वारी अल्लाहू अकबर कह के हथां ते फूक मार के जिस्म ते फेर लिया कर, ओए तेरा हाथ फिरेगा मेरा रब मेरी बेटी दी थकावट दूर कर छेगा। जी 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 नबियां दे इमाम दी बेटी दी गल सुनाई दी के बेटी तू थक जाए ते सुभान अल्लाह ते अल्हम्दुलिल्लाह ते अल्लाहु अकबर, इनू तस्वीए फातिमा किया जांदा है। थोड़ी तवज्जो है, ऐसी नमाज के बाद पढ़ने ना, ये पढ़ो तेती वरी, ये पढ़ो तेती वरी, ये पढ़ो चौथी वरी, वो पढ़ो, इन्हें तस्वीए फातिमा किया जाता है। और हदीस के अंदर मौजूद है बाबा जी, ये मेरे नबी ने अपनी बेटी को वजीफा दसा है। ते कायनात आले तुसी भी जे थके होवे ना, मतलब शाम नु थके आवे ते तुहाडे वास्ते भी नुस्खा है, एक वजीफा है के शामी सौण तो पहला ये पढ़ के ना 33 वारी सुभान अल्लाह, 33 वारी अल्हम्दुलिल्लाह, चौथी वारी अल्लाहू अकबर। ए तियां जदों करोगे ना, ये वजीफा दस्यो, ये ना दस्यो कि उन्हां नु कहीं मैनूं नौकर रख के दे दे, अगले दी आमदन बेचारे दी 20,000 नहीं तो 5,000 रुपया नौकर नु दे दे।
जी बाबा जी गल्ला मेंबर तो नहीं बयान होनी लेकिन मेरा दिल है कि मैं एक गल्ला करा अल्लाह सानु सारे नु अमल दी तौफीक अता फरमा बेटी दी तरबियत मां कर रहे बेटी दी तरबियत बाप कर रहे करूं तो रंग पहला कि बेटी तेरी कोई हसीयत नहीं जनाबे फातिमा तो अगे ते मेरी दी तेरे नबी दी बेटी अपने हत्थां नाल काम कीते ने ते अज ते हो सकदा अज ते छालियां छुलियां दा तसव्वुर ही कोई नहीं छाले ते पै ही नहीं सकदे बाबा जी ते मेरे नबी दी बेटी ने हत्थां विच छाले ले ते दसे भी ने अबू जी आ वेख लो ते हुजूर इशारा करदे ते जमीन आसमान इक हो जांदी कसम खुदा दी ओ नबियां दे इमाम ने दस्या लोगो ना अपनियां बेटियां नु शियार नहीं करी अगलियां नु जलील नहीं करी दे जिन्हां दे घर बेटियां भेजो बल्कि तरबियत दे दी करो कि बुखार भी चढ़िया होवे ते फिर भी आप ही काम करना ये तरबियत होवेगी तो बाबा जी फिर अगे जाके सारा निजाम होएगा टाइम हो गया अल्लाह दी बाग बारगाह दे अंदर दुआ करना अल्लाह करम अल्लाह करीम जनाबे फातिमा तुज़हरा दी चादर ते तहीर दा सदका जो कुछ मैं किया है तुसा सुनया अल्लाह साहब ते अमल दी तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह अगले जुमातुल मुबारक जनाबे खदीजा तो कुबरा दी जनाबे फातिमा दी दी मां दी शान पढ़ाएंगे अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए आमीन व अल्लाह अलैहि